नमस्कार माय लॉर्ड, में आपका स्वागत है। इच्छा मृत्यु को लेकर बहस हमेशा से चर्चा का विषय रही है। इच्छा मृत्यु की मांग रखने वाले के हितों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2018 के ऐतिहासिक फैसले की कुछ शर्तों में संशोधन को मंजूरी देते हुए एक अहम फैसला सुनाया है ताकि इस प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या है इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया और किन स्थितियों में दी जा सकती है इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु दर्द या पीड़ा को खत्म करने के लिए जानबूझकर किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने के कार्य को कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती हैं, एक्टिव ऑथेंसिया जिसे सक्रिय इच्छा मृत्यु कहते हैं, किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने के लिए किसी दवाई की घातक खुराक का इंजेक्शन लगाना होता है, पैसिव ऑथेंसिया जिसे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहते हैं, जिसमें जानबूझकर रोगी के वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब जैसे आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम को रोक दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में नागरिकों को लिविंग विल का अधिकार दिया था, जिसके तहत कोई व्यक्ति होश में रहते ये लिख सकता है कि गंभीर बीमारी की स्थिति में उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जबरन जिंदा रखा जाए। 5 सदस्यीय पीठ ने इस मामले पर सुनवाई के बाद ये माना कि सख्त प्रक्रिया के चलते लोग इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की मंजूरी और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट से जुड़ी शर्त को भी हटाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गरिमा के साथ मरने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार माना था, लेकिन इच्छा मृत्यु करने के इच्छुक लोगों को मुश्किल शर्तों के चलते बेहद बोझिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उस याचिका पर आया है जिसमें लाइलाज बीमारी से जूझ रहे ऐसे व्यक्ति के लिए इच्छा मृत्यु की इजाजत देने की मांग की गई थी जिसके स्वास्थ्य में सुधार होने की कोई संभावना नहीं रह गई है। अदालत का ये फैसला उन लोगों के लिए राहत भरी खबर लेकर आया है जिनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा है और उनका जीना बोझिल हो गया है। इस फैसले से उन लोगों के लिए अपने अंतिम पलों को जीना आसान हो जाएगा जो खुद को दूसरों पर बोझ समझ रहे थे। इस तरह की कानून से जुड़ी और भी जानकारी के लिए देखते रहिए माय लॉर्ड।